हेलो एवरीवन, आज बूलियन अलजेब्रा के थर्ड पार्ट का वीडियो देखेंगे। अभी तक हम बूलियन अलजेब्रा के दो पार्ट के वीडियो देख चुके हैं, जिसमें लॉजिक गेट और यूनिवर्सल गेट और डी मॉर्गन की थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम इस वीडियो में बूलियन अलजेब्रा के थर्ड पार्ट में स्वयं सिद्ध नियम, बूलियन बीजगणित की प्रमेय और बूलियन बीजगणित की जो एक्सप्रेशन है उसे सत्यता सारणी के माध्यम से सिद्ध कैसे करेंगे ये जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस थर्ड पार्ट बूलियन अलजेब्रा के। पहली हेडिंग इसमें आती है पोस्टुलेट ऑफ बूलियन अलजेब्रा, अर्थात बूलियन अलजेब्रा बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियम। बूलियन अलजेब्रा में जटिल व्यंजकों को सरल करने के लिए कुछ स्वीकृत तथ्य एवं स्वयं सिद्ध नियम होते हैं। ये नियम बूलियन अलजेब्रा के आधार हैं। इनको स्वयं सिद्ध नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती, अर्थात ये पहले से सिद्ध होते हैं, पहले से प्रूव्ड होते हैं। हम इन्हें ट्रुथ टेबल अर्थात सत्यता सारणी की विधि से आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात अगर हम इसे समझना चाहते हैं कि ये स्वयं सिद्ध नियम कैसे प्रूव्ड हैं तो हम इसे बूलियन बीजगणित में ट्रुथ टेबल के माध्यम से आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ये नियम हटिंगटन ने बनाए थे, ये नियम हटिंगटन ने बताए थे, इसलिए इन्हें हटिंगटन के स्वयं सिद्ध नियम भी कहते हैं। तो ये बूलियन बीजगणित के जो स्वयं सिद्ध नियम हैं ये हटिंगटन के स्वयं सिद्ध नियम के नाम से भी जाना जाता है। ये नियम निम्न हैं। आइए इन बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध कौन कौन से नियम हैं इनको समझेंगे। सबसे पहला जो नियम है वह क्लोजर प्रॉपर्टी, अर्थात पूर्णता का गुण। अभी हमने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट फर्स्ट पार्ट में पढ़े वीडियो के, उसमें ए प्लस बी समुच्चय है अर्थात और गेट से रिलेटेड है, ए इंटू बी सबसेट है समुच्चय का, इसी प्रकार ए डैश भी एक समुच्चय है, अर्थात ये तीनों चीज़ें और गेट, एंड गेट और नॉट गेट से रिलेटेड हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो दूसरा नियम है वह है क्रम विनिमेय नियम, अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, उसके उदाहरण है जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अर्थात उल्टा सीधा एक समान, जैसे कहा गया कि a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस ए लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। इसी का दूसरा नियम है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये भी क्रम विनिमेय नियम या क्रम विनिमेय गुण को फॉलो करता है। तीसरा जो नियम है बंटन का नियम, अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहला जो है वह है a इंटू कोष्टक में b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, अर्थात यहाँ पर जो कोष्टक के बाहर जो डिजिट दी है, ये जो वेरिएबल दिया है a, इसका अंदर के सभी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, अर्थात a का मल्टीप्लाई b के साथ और a का मल्टीप्लाई c के साथ, वही यहाँ पर ये लिखा हुआ है बंटन का नियम, जैसा कि आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। इसी का दूसरा नियम है प्लस के साथ, अर्थात a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, अर्थात एक नियम में जहाँ पर इंटू है वहीं दूसरे नियम पर प्लस हो गया है, और जहाँ पर प्लस है वहीं उसके दूसरे नियम में इंटू हो गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इंटू है, यहाँ पर ये प्लस हो गया, कोष्ठक के अंदर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कोष्ठक के अंदर इंटू हो गया, ऐसे ही यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर देखने को मिल जाएगा। आगे इसका चौथा जो नियम है वह है साहचर्य नियम, अर्थात एसोसिएटिव लॉ। ए प्लस कोष्ठक में बी प्लस सी इज इक्वल टू कोष्ठक में ए प्लस बी और कोष्ठक के बाहर है प्लस सी, या इसे इज इक्वल टू, ये इक्वल है
ए प्लस बी प्लस सी के। इसी प्रकार इसमें इंटू का भी नियम है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू कोष्टक में ए इंटू बी कोष्टक के बाहर इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, अर्थात तीनों में से कोई भी एक नियम तीनों प्रकार से साचरण नियम को ये फॉलो कर रहा है। पांचवा जो नियम है वह है एग्जिस्टेंस ऑफ नल एलिमेंट्स, अर्थात शून्य तत्वों के अस्तित्व का नियम। इसमें पहला नियम जो आता है वह है ए प्लस जीरो, अर्थात ए में जीरो को अगर ऐड करें तो क्या आएगा, या जीरो में ए को ऐड करें तो क्या आएगा, ए आएगा, अर्थात ए के इक्वल है। ए प्लस जीरो बराबर ए और जीरो प्लस ए बराबर भी ए। शून्य तत्वों के अस्तित्व में जो दूसरा नियम है इसी में वह है ए इंटू वन, अर्थात ए का वन से मल्टीप्लाई करें एंड गेट के द्वारा, ए इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए के इक्वल है। छठवा जो नियम है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स, अर्थात पूरक तत्वों के अस्तित्व का नियम। इस पर है ए प्लस ए डैश इक्वल वन और ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो। हम इसे प्रूव करेंगे आगे ट्रुथ टेबल से, बाकी जो बच जाएंगे उन्हें आप सिद्ध करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सिद्ध हो गया है या किसी भी नियम को सिद्ध करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ मैं आगे बताऊंगा, कुछ आप भी करिएगा। आगे चलते हैं अगले हेडिंग पे, थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, अर्थात बूलियन बीजगणित की प्रमेय। अभी हमने डी मॉर्गन की प्रमेय पढ़ी थी सेकंड पार्ट में वीडियो के, हम अब इसी में बूलियन बीजगणित की जो अन्य प्रमेय हैं उन प्रमेयों को ध्यान से देखेंगे। इसमें डी मॉर्गन की प्रमेय भी मिली हुई है। तो इसका सबसे पहला जो लॉ है अर्थात एक रूपता का नियम, आइडियम्पोटेंट लॉ, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए और ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, अर्थात ये दोनों नियम को भी ट्रुथ टेबल से हम सिद्ध कर सकते हैं। बूलियन बीजगणित के जितने भी नियम और प्रमेय हैं उन्हें हम ट्रुथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, ट्रुथ टेबल से प्रूव कर सकते हैं किसी भी नियम और प्रमेय को, मैं ये बताऊंगा अभी आगे। इसके बाद जो दूसरा प्रमेय है बूलियन बीजगणित की वह है आइडेंटिटी लॉ, अर्थात समता का नियम। समता के नियम में आते हैं ए प्लस वन इज इक्वल टू वन और ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। नियम को केवल ध्यान में रखना है कि कौन सा नियम, उसका उदाहरण कौन सा है, या उदाहरण दे दिया कि ये तो ये किस नियम से रिलेटेड है, बस उसका हमें नाम याद रखना है। तीसरा है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, अर्थात पूरक का नियम, अर्थात ए का डबल डैश इज इक्वल टू ए के इक्वल है। ए का कॉम्प्लीमेंट का होल डैश अर्थात होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ये पूरक का नियम है। चौथा जो नियम है वह है अवयव लुप्त होने का नियम, अर्थात एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है लुप्त हो जाना, किसी अवयव का लुप्त होने का नियम। यहाँ पर देखिए, इसमें पहला जो नियम दिया है ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, अर्थात इस इक्वल के राइट हैंड साइड तरफ बी वेरिएबल नहीं है, अर्थात एक अवयव लुप्त हो गया है। इसी प्रकार इसका दूसरा जो नियम है ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, अर्थात चाहे प्लस को हम इंटू के साथ चेंज कर दें और इंटू को प्लस के साथ भी चेंज कर दें तब भी अवयव उसमें दूसरे वाले में भी लुप्त है, अर्थात ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू ए और ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू भी ए की इक्वल है। इसको भी आगे प्रूव करेंगे हम। पांचों जो नियम है डी मॉर्गन थ्योरम, जिसे हम प्रूव कर चुके हैं डी मॉर्गन प्रमेय में, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश, अर्थात ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, ए डैश इंटू बी डैश। जैसा कि हमने ये डी मॉर्गन की प्रमेय में पढ़ा था कि एक लॉजिकल योगफल का पूरक लॉजिकल पूरक के अलग अलग गुणनफल के बराबर होता है। इसी का दूसरा नियम है जहाँ प्लस है वहाँ इंटू कर देंगे, जहाँ इंटू है वहाँ प्लस कर देंगे, तो दूसरा नियम भी बन जाएगा, अर्थात ए इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ये पांच डी मॉर्गन की प्रमेय थी।
अगली हेडिंग जो आती है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं द्वैमता या द्वैतता का सिद्धांत। द्वैतता या द्वैमता का सिद्धांत क्या है ये? बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियमों और प्रमेयों में, अभी जो हम पढ़ चुके थे स्वयं सिद्ध नियम और प्रमेय में, हमने देखा कि प्रत्येक नियम प्रायः जोड़े के रूप में है। कैसे जोड़े के रूप में है? और प्रत्येक जोड़े की दोनों नियम आपस में मिलते जुलते हैं। वास्तव में हम ऐसे जोड़े के एक नियम में इनटू की जगह प्लस तथा प्लस की जगह इनटू रखकर दूसरा नियम प्राप्त कर सकते हैं, या एक की जगह जीरो तथा जीरो की जगह एक रखकर भी दूसरा नियम प्राप्त कर सकते हैं। यही द्वैमता अर्थात द्वैतता का सिद्धांत कहलाता है। जैसे डी मॉर्गन की थ्योरम में था, मैं उदाहरण देके बताता हूँ। इसका उदाहरण है डी मॉर्गन की थ्योरम हम ले रहे हैं। पहली प्रमेय जो थी क्या थी? ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटू बी डैश। तो इसकी दूसरी प्रमेय क्या बन जाएगी? जहाँ पर इंटू है वहाँ प्लस कर देना है, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर इंटू कर देना है। तो ये बन जाएगी ए इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, जैसे हमने उसमें क्रम विनिमेय नियम में पढ़ा था कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए या ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। उसी प्रकार ये सभी नियम द्वैतता का सिद्धांत से संबंधित हैं। आगे चलते हैं प्रूविंग द इक्वेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन बाय ट्रुथ टेबल। मैं जिसकी बात कर रहा था अब हम उस हेडिंग पर आ गए हैं, अर्थात सत्यता सारणी की सहायता से बूलियन व्यंजकों के समीकरण को सिद्ध करना। बूलियन व्यंजक जो दिए होंगे हम उनके समीकरण को ट्रुथ टेबल के माध्यम से सिद्ध करेंगे। अभी जो हमने स्वयं सिद्ध नियम और प्रमेय जो देखी उनमें से मैंने कुछ के एग्जाम्पल इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। आगे इसमें ट्रुथ टेबल देखेंगी और ट्रुथ टेबल से हम उन बूलियन एक्सप्रेशन को हम प्रूफ करेंगे। तो आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ए प्लस ए इंटू बी बराबर ए, कौन सा नियम है? जी हाँ, अवयव लुप्त होने का नियम। ये अवयव लुप्त होने का नियम है, मैं इसे ट्रुथ टेबल के माध्यम से प्रूव करूँगा। ये पहले से प्रूव है, जैसा कि मैंने बताया ये पहले से प्रमेय और स्वयं सिद्ध नियम पहले से प्रूव हैं। हम इसे केवल सत्यता सारणी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बराबर है कि नहीं, अर्थात ए प्लस ए इंटू बी बराबर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान देंगे इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं, एक ए नाम से है और एक बी नाम से है। हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू ए के इक्वल है। देखिए कैसे, हमने पहला वेरिएबल लिया ए और दूसरा वेरिएबल लिया बी, दो वेरिएबल हैं। तो मैंने सत्यता सारणी में बताया था एक वेरिएबल दो वेरिएबल की इनपुट कंडीशन रखना। तो दो वेरिएबल में ए और बी हैं, कितनी कंडीशन बनेंगी? चार कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी है? जीरो जीरो एक एक और फिर बी वाले कॉलम में जीरो एक जीरो एक। दो इनपुट वेरिएबल की कंडीशन आप रखना सीख जाइए, यही ही रखी जाएगी। कभी भी जब किसी एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल हों ए और बी या एक्स और वाई या पी या क्यू, कुछ भी हो वेरिएबल नेम, कुछ भी हो सकते हैं, तो दो अगर इनपुट वेरिएबल हैं तो उनकी कंडीशन हमेशा यही ही रहेगी। आप इसे गिनती के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, अगर आपको न याद आ रही हो तो। आप इसे रखने का एक तरीका और भी है कि दोनों कॉलम को अगर एक मान लें तो ये जीरो एक दस और ग्यारह, या पहले वाले ए कॉलम में देखना है तो इसमें दो बार जीरो और दो बार वन रखना है, और बी वाले कॉलम में एक बार जीरो एक बार वन एक बार जीरो एक बार वन। आपको आसानी से सत्यता सारणी के इनपुट वेरिएबल की कंडीशन रखना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम ए, अब इससे ऊपर जो एक्सप्रेशन दिया है यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? ए इंटू बी, हम ए इंटू बी निकाल लेंगे। तो ए इंटू बी कौन सा गेट है? सबसे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था हमने ए इंटू बी कौन सा गेट है? एंड गेट है। इंटू चिन्ह दर्शाता है एंड गेट को, तो ए इंटू बी अर्थात एंड गेट। तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल में वन कब आता है?
जब दोनों इनपुट कंडीशन वन स्टेट में हो, अर्थात दोनों इनपुट में वन हो तभी ए इंटू बी वाले कॉलम अर्थात एंड गेट में एक आएगा, बाकी में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आइए देखते हैं ए इंटू बी में, अर्थात एंड गेट पहला वाला जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो वन का वन जीरो और वन जीरो का जीरो और लास्ट में वन वन का वन, ये एंड गेट आ गया। एक्सप्रेशन को देखिए, ए इंटू बी दिया है, हम इसको निकाल चुके हैं, ये प्रूव कर चुके। ए इंटू बी में, इसमें ए इंटू बी में ए को ऐड करना है अर्थात और गेट। यहाँ पर देखिए चौथे वाले कॉलम में इसका हेड बन जाएगा ए प्लस ए इंटू बी, अर्थात ये ए इंटू बी ये वाला कॉलम और ये पहला वाला कॉलम ए, इन दोनों का कौन सा गेट, और गेट। प्लस का चिन्ह किस गेट को दर्शाता है, और गेट को। तो अब और गेट में एक कब आता है, जब कोई भी इनपुट वेरिएबल एक हो तो आउटपुट में एक आएगा। तो हमें कौन कौन सा कॉलम देखना है, हमें देखना है ए वाला कॉलम और ए इंटू बी वाला कॉलम, इसको छोड़ दीजिए, हमें इन दोनों कॉलम के मान को देखना है कि दोनों इनपुट वेरिएबल में कौन सा इनपुट वेरिएबल एक है, तो वहाँ पर इस कॉलम में आउटपुट में एक आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ए वाले कॉलम में जीरो है, ए इंटू बी वाले में जीरो, तो जीरो जीरो का योग हो जाएगा अर्थात ए प्लस बी, और गेट, और गेट का, और गेट में कब आता है, जब कोई भी इनपुट वेरिएबल एक हो, तो दोनों में जीरो जीरो है तो क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगले वाले में ए में सेकेंड नंबर पर जीरो, यहाँ पर ये सेकेंड नंबर में जीरो, ए इंटू बी वाले में भी जीरो, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा जीरो। तीसरा वाला कॉलम देखिए, एक और ये जीरो, और गेट है, एक कब आएगा, जब कोई भी इनपुट वेरिएबल एक हो, तो यहाँ पर ये एक है ना, तो आउटपुट में यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक। अगला यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो आउटपुट में क्या जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा एक। अब थोड़ा गौर से देखिए इस ट्रुथ टेबल को, इस वाले कॉलम का मान किस कॉलम से मिल रहा है, ए वाले कॉलम से मिल रहा है ना, जीरो जीरो एक एक, जीरो जीरो एक एक, इस कॉलम का मान इस कॉलम के मान से मिल रहा है, अर्थात इस कॉलम को जो हेड है, ये जो हेड है ये किस कॉलम के हेड से मिल रहा है, ए से, अर्थात ए प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू किसके है, ए के। यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं और उदाहरण देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा अगर ना आया हो। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ए प्लस ए डैश इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ध्यान देखिएगा कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं ए और बी, तीसरा तो नहीं है, तो चार कंडीशन बनेगी, अर्थात ए और बी हमने दो वेरिएबल लिए, कंडीशन सेम वही जीरो जीरो एक एक, बी वाले कॉलम में जीरो एक जीरो एक। अब क्या करेंगे, अब हम ए डैश निकाल लेंगे, ए डैश, ए डैश किसका निकलेगा, ए का निकलेगा, अर्थात ए वाले कॉलम में के जो मान हैं वह ए डैश वाले कॉलम में जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, अर्थात एक का जीरो और जीरो का एक। क्या हो जाएगा, ए डैश वाले कॉलम में ए का मान क्या जाएगा, वहाँ ए में लिखा है जीरो तो यहाँ जाएगा एक, ए वाले कॉलम में सेकेंड नंबर पर लिखा है जीरो तो ए डैश वाले कॉलम में सेकेंड नंबर पर आ जाएगा एक, इसी प्रकार अगले थर्ड में एक लिखा है तो यहाँ जाएगा जीरो, फिर एक, इसका हो जाएगा जीरो। समझ में आ गया, ए डैश हमने निकाल लिया, अब हम क्या करें, अब हम ए डैश इंटू बी निकाल लें, अर्थात ए डैश हम निकाल चुके हैं और बी इंटू के साथ, इंटू का चिन्ह कौन सा गेट, एंड गेट। तो ए डैश वाला कॉलम और ये बी वाला कॉलम, इन दोनों का एंड गेट निकालना है, तो एंड गेट में एक कब आता है, जब दोनों इनपुट एक हो तो एक आएगा, अदरवाइज जीरो आएगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जीरो एक, ये दोनों एक एक है ना, बी वाले और ए डैश में एक एक का एक, अगले वाले में जीरो और फिर जीरो, ठीक। अब ए डैश इंटू बी हमने निकाल लिया, अब हम ए डैश इंटू बी में ए को ऐड कर देंगे और गेट के साथ, ये हो जाएगा इसका हेड जो बन जाएगा ए प्लस ए डैश इंटू बी, अर्थात ए वाला कॉलम और ए डैश इंटू बी, इन दोनों कॉलम का कौन सा गेट, और गेट, प्लस का चिन्ह लगा है, और गेट निकलेगा,
और गेट में ए कब आता है? जब कोई भी इनपुट वेरिएबल एक हो तो आउटपुट एक आता है। तो पहला वाला कॉलम और चौथे नंबर वाला कॉलम का और गेट निकालना है, तो 0 0 हो जाएगा 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 0 का 1। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सिद्ध हो गया, ये इधर अब पूरा। अब हम ए प्लस बी निकाल लें। ए प्लस बी कौन सा गेट है? यस, और गेट है। तो और गेट में एक कब आएगा? जब कोई भी इनपुट वेरिएबल किसी भी तरफ एक हो तो आउटपुट एक आ जाएगा। तो क्या आएगा? ए और बी वाले कॉलम से देखना है, इन दोनों कॉलम से। तो क्या जाएगा इसमें? 0, 1, 1, 1। अब देखिए इसमें इन दोनों कॉलम का मान आपस में मिल रहा है, अर्थात ए प्लस ए डैश इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x इंटू कोष्टक में y प्लस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक जो आपने ट्रुथ टेबल पढ़ी है वह एक इनपुट वेरिएबल और दो इनपुट वेरिएबल की पढ़ी है। अब हम यहां पर तीन इनपुट वेरिएबल की सबसे पहले कंडीशन रखेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा। तो तीन इनपुट वेरिएबल हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड लेफ्ट हैंड साइड भी है और एक्स वाई जेड राइट हैंड साइड भी है। तो तीन इनपुट वेरिएबल की कंडीशन हम रखेंगे। एक इनपुट वेरिएबल की कंडीशन में दो डिजिट थी, 0 और 1। दो इनपुट वेरिएबल की कंडीशन में कितनी कंडीशन थी? 4। तीन इनपुट वेरिएबल की वेरिएबल में कितनी कंडीशन बनेगी? 8। ध्यान से देखिएगा, मैं बनाने की प्रोसेस भी बता रहा हूँ। तीन इनपुट वेरिएबल हैं x, y और z, क्लियर। अब x वाले कॉलम में हम 4 बार 0 और 4 बार 1 रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बन जाएगा। पहले वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, x में 0 0 0 0, 4 बार 0 और फिर 4 बार 1, 1 1 1 1। ओके, x वाले कॉलम में हमने 4 बार 0 4 बार 1 रखा, 4 का आधा करिए कितना होगा? 2। y वाले कॉलम में 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 और 2 बार 1। देखिए ऐसे 0 0 1 1, फिर अगेन 0 0 1 1, कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब z वाले कॉलम में, x वाले कॉलम में क्या रखा? 4 बार 0 4 बार 1, 4 का आधा किया 2। y वाले कॉलम में 2 बार 0 2 बार 1, जेड वाले कॉलम में वाई का आधा करिए 2 का आधा 1, अर्थात 1 बार 0 और 1 बार 1, क्लियर। तो इसमें आ जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 और लास्ट में 1, क्लियर। ये तीन इनपुट वेरिएबल की कंडीशन है। अगर आप इसे गिनती से भी रखना चाहते हैं तो देखिए, आप गिनती भी बन जाएगी। इन तीनों कॉलम को मर्ज करके गिनती देखिएगा, 0 ये रही, इसको मान लिया 1, फिर 10, फिर 11, फिर 100, अर्थात 0 1 से बनी गिनती, 100 के बाद 101, 110 और 111, क्लियर है। चलिए अब हमें क्या कर लें, लेफ्ट हैंड साइड वाला हम सिद्ध कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। y प्लस जेड हम क्या निकालेंगे? y प्लस जेड, अर्थात कौन सा गेट है? यस, और गेट है। तो कौन कौन सा कॉलम? y और z, इन दोनों कॉलम का, ठीक। तो y और z में कोई भी इनपुट वेरिएबल अगर एक है तो y प्लस जेड वाले कॉलम में एक आ जाएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। तो पहले वाले कॉलम में क्या जाएगा? वो पहले चौथे वाले कॉलम में, पहले रो में क्या जाएगा? 0 0 का हो जाएगा 0, अर्थात तो y z में देखना है केवल। 0 1 का हो जाएगा 1, 1 0 का 1, 1 1 का 1, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 एंड 1 1 का 1, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। y प्लस जेड हमने निकाल लिया यहाँ चौथे कॉलम में। अब हम इसे x के साथ एंड गेट निकालेंगे। ये फॉर्मूला हो गया x इंटू वाई प्लस जेड, अर्थात ये y प्लस जेड और x के साथ कौन सा गेट? एंड गेट। देखिए ये x वाला और ये y प्लस जेड वाला। तो क्या जाएगा इन दोनों कॉलम को देखिएगा, x और y प्लस जेड।
तो 0 0 का आ जाएगा 0। एंड गेट में कब आता है, जब दोनों इनपुट वेरिएबल वन स्टेट पे हो तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो 0 0 का 0, 0 1 का 0, 0 1 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1, 1 1 का 1, 1 1 का 1। क्लियर, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष सिद्ध प्रूफ हो गया। अब हम राइट हैंड साइड आते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है ऊपर एक्सप्रेशन में एक्स इंटू वाई एक्स इंटू जेड, इसके बाद इन दोनों एक्सप्रेशन का टोटल अर्थात योग और गेट। सबसे पहले हम एक्स इंटू वाई निकालेंगे, कौन सा गेट है एक्स इंटू वाई, एंड गेट है, कौन कौन सा कॉलम, एक्स और वाई, एक्स और वाई वाले कॉलम को ध्यान देखना है, देखिएगा एक्स और वाई, ठीक। तो इसमें एंड गेट निकालना है, तो दो इनपुट वेरिएबल अगर सेम स्टेट में है, वन में होंगे तभी एक आएगा। तो नीचे देखिए एक्स और वाई में सबसे नीचे से सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों, इन दोनों में वन है, इसी में वन आएगा, बाकी सब में क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखिए जीरो 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 एक एक, क्लियर। एक्स इंटू वाई में हमने क्या निकाला, एंड गेट। अब हम निकाल लें एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू जेड कौन सा कॉलम, ये देखिए इधर एक्स और ये जेड, कौन सा गेट है एक्स इंटू जेड इंटू अर्थात एंड गेट, एंड गेट निकालना है। तो एंड गेट वही, एक कब आएगा एंड गेट में, जब दोनों इनपुट वेरिएबल वन स्टेट पे हो। तो एक्स और जेड में कहाँ कहाँ पर, दोनों में एक साथ एक है, नीचे से पहले और तीसरे नंबर पे। तो स्टार्ट में देते हैं जीरो 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 एक जीरो एक, ओके आगे चलते हैं। अब हमने x इंटू वाई निकाल लिया, x इंटू जेड निकाल लिया, ठीक है, ये दोनों हमने निकाल लिया इन दोनों को। अब इन दोनों का कौन सा गेट, और गेट, यहाँ पर हमने रखा x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड का और गेट, तो x इंटू वाई और x इंटू जेड, तो इन दोनों में और गेट निकालना। तो और गेट में एक कब आएगा, जब कोई भी इनपुट वेरिएबल एक हो। तो स्टार्टर से देखिए जीरो जीरो का जीरो 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 एक एक एक, लास्ट वाले कॉलम का मान किस कॉलम से मिल रहा है, यस इन दोनों कॉलम के मान से मिल रहा है। तो ये नियम या प्रमेय प्रूफ है, ट्रुथ टेबल से मैंने प्रूफ किया। कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं, चौथा जो नियम है a प्लस ए डैश इज इक्वल टू वन, इसकी देखिए ट्रुथ टेबल। a एक वेरिएबल इनपुट है, तो एक इनपुट वेरिएबल की कंडीशन क्या होगी, जीरो और एक। तो हमने a के लिए रखा जीरो और एक, ठीक। अब हम क्या निकाल लें, अब हम a डैश निकाल लें। तो a डैश क्या है, नॉट गेट अर्थात a का कॉम्प्लीमेंट, a में जीरो लिखा है तो इधर आ जाएगा वन, और वन है तो जीरो, ये देखिए क्लियर। अब क्या कर लें, अब a प्लस ए डैश अर्थात और गेट, किसका किसका, a और a डैश का, a प्लस a डैश का और गेट, a कब आएगा, जब कोई भी इनपुट वेरिएबल एक हो, a और a डैश का अर्थात जीरो एक का एक और एक जीरो का एक। अब थोड़ा यहाँ ध्यान ये दीजिए कि a प्लस a डैश वाले कॉलम का मान किसी कॉलम से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और एक चीज, a प्लस a डैश वाले कॉलम में पूरे रो में या उस पूरे कॉलम में क्या आ रहा है, एक 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 आ रहा है, दो ही बार है तो एक एक आ रहा है, जीरो तो नहीं है कहीं। तो इस पूरे कॉलम का हेड हो जाएगा एक, इस प्रकार एक वाले कॉलम में एक और एक आ जाएगा। अगर मान लीजिए जीरो होता तो जीरो जीरो रखते इस पूरे कॉलम में, अर्थात स्विच अगर ऑफ स्टेट में है और किसी दूसरे स्विच की ये तुलना उससे करते हैं तो ऑफ स्टेट से ही तो करेंगे, या कोई स्विच ऑन स्टेट में है और किसी दूसरे स्विच से तुलना करनी है तो जो स्विच ऑन है उसकी तुलना बाकी अदर स्विच से भी करेंगे, चाहे वो ऑन हो चाहे ऑफ हो, ठीक। तो इस कॉलम का मान आ जाएगा वन, अर्थात वन वाले कॉलम के मान से ये मिल रहा है, a प्लस a डैश इज इक्वल टू वन, अर्थात इस पूरे कॉलम में क्या है, वन वन आ रहा है। अर्थात जीरो के लिए अगर हम इनपुट रखना चाहें तो रखेंगे जीरो जीरो जीरो, चाहे जितनी भी कंडीशन हो,
और अगर वन कह रहा है तो वन वाले कॉलम में क्या रखेंगे, वन 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 वन, चाहे जितने भी वन हो, चाहे जितने भी कॉलम हो, ठीक है। तो इस प्रकार इसका मान एक के इक्वल है। पांचवा नियम देखते हैं, ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। फिर देखिए वहीं पे जीरो, ए इनपुट वेरिएबल एक है, तो ए के लिए इनपुट क्या आएंगी, जीरो और एक। ये देखिए जीरो और एक। अब जीरो, तो जीरो के लिए क्या रखेंगे, स्विच क्या है, जीरो स्टेट में है, तो वो स्विच क्या रहेगा, हमेशा ऑफ ही रहेगा, अर्थात जीरो 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 वाले कॉलम में जीरो जीरो ही आएगा। अब क्या करना है, ए इंटू जीरो, अर्थात ए वाला कॉलम और ये जीरो वाला कॉलम का कौन सा गेट निकालना है, एंड गेट निकालना है। जी हाँ, एंड गेट, ए इंटू जीरो, ए का और जीरो का कौन सा गेट, एंड गेट। तो ए कब आएगा, जब दोनों इनपुट वेरिएबल एक हो तो एक आएगा। यहाँ पर दोनों में एक है, नहीं है ना, तो क्या आएगा, जीरो जीरो का जीरो और वन जीरो का जीरो। इस पूरे कॉलम का मान किस कॉलम से मिल रहा है, जी हाँ, इस जीरो वाले कॉलम से मिल रहा है, अर्थात ये प्रमेय भी सिद्ध हुई, या ये नियम भी प्रूव हुआ, ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। अगर ये मान ना याद रहे, जैसे मान लीजिए कहा कि ए इंटू जीरो बराबर क्या होता है, तो आप इसे प्रूव कर लीजिए, ए के लिए रखा जीरो एक और जीरो के लिए रखा जीरो जीरो, और क्या निकालना है, ए इंटू जीरो हमें निकाल लेना है, तो ए इंटू जीरो का कौन सा गेट, एंड गेट, इंटू लगा है ना ये, एंड गेट। एंड गेट में ए कब आता है, जब दोनों इनपुट वेरिएबल वन स्टेट पे हो। इसका देखिए जीरो जीरो का हो जाएगा जीरो और जीरो वन का हो जाएगा जीरो। इस पूरे कॉलम का मान किस कॉलम से मिल रहा है, जीरो वाले कॉलम से, क्लियर। इसका मान क्या जाएगा, जीरो, ठीक। यहाँ पर क्या आ गया आंसर, जीरो। चलिए आगे लास्ट, ए डैश का होल डैश बराबर ए, ये था पूरक तत्वों का नियम, पूरक का नियम। आइए इसको भी सिद्ध करते हैं, ए इनपुट वेरिएबल एक है, तो ए के लिए रखा हमने क्या, जीरो और एक। हम क्या निकाल लें, सबसे पहले ए डैश निकाल लें, किसका निकलेगा, ए का निकलेगा, तो ए का अपोजिट हो जाएगा, जीरो का हो जाएगा एक और एक का हो जाएगा जीरो। अब ए डैश हम निकाल चुके हैं, तो ए डैश का डबल डैश निकाल लें, अर्थात ए डैश का ही डैश, तो ए डैश का पूरक हो जाएगा, अर्थात ये सेकंड वाले कॉलम का पूरक क्या आ जाएगा, एक का हो जाएगा जीरो और जीरो का हो जाएगा एक। अब इस कॉलम का मान किस कॉलम से मिल रहा है, इस पहले वाले कॉलम से मिल रहा है ना, तो ये ए का डबल डैश इज इक्वल टू ए, क्लियर। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में बूलियन बीजगणित के स्वयं सिद्ध नियम, उनकी प्रमेय और उन्हें सत्यता सारणी के माध्यम से सिद्ध करना, ये हमने पढ़ा। आगे इसके फोर्थ पार्ट में हम बूलियन बीजगणित के समीकरण को का सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, अर्थात सरलीकरण पढ़ेंगे, और कुछ बूलियन एक्सप्रेशन के सिंबल्स को बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो में अगर कोई भी हेडिंग या कोई भी ट्रुथ टेबल से रिलेटेड कहीं भी कोई टॉपिक न क्लियर हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।